राघव चड्ढा के पीएसओ की पिस्टल चुराने वाला काबू। आम आदमी पार्टी के विजय मार्च में पंजाब के सह प्रभारी राघव चड्ढा के सुरक्षा कर्मचारी की पिस्टल चोरी करने वाला गिरोह को नवांशहर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरोह नवांशहर से खटकड़ कलां की तरफ जा रहा था। पुलिस का कहना है कि आरोपी लूट की वारदातों को अंजाम देते हैं और पकड़े गए सभी आरोपी माजा के ही हैं। गौरतलब है कि 13 मार्च को आप पार्टी ने अमृतसर में विजय मार्च निकाला था। इसी दौरान गैंग के सदस्यों ने पीएसओ की सरकारी पिस्टल को चुरा लिया था। सुरक्षा कर्मचारी विजय कुमार ने इसकी शिकायत जब पुलिस थाना सिविल लाइन के अंतर्गत आने वाली ग्रीन एवेन्यू चौकी में दी तो पूरे जिले की पुलिस अलर्ट हो गई। सभी हैरान थे कि वीआईपी के इतने करीब कोई कैसे पहुंच गया। इसी बीच 16 मार्च को खटकड़ कलां में मुख्यमंत्री भगवंत मान के शपथ ग्रह समारोह के चलते हर रास्ते पर चेकिंग अभियान चल रहा था, तभी पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल कर ली। आरोपियों की पहचान अमृतसर जिले के निशान सिंह और विशाल, गुरदासपुर के अवैध मसीह, राजन मसीह और तरन तारण जिले के अजय पाल सिंह उर्फ सोनू के रूप में हुई। तलाशी में पिस्टल मिली। जांच में पता चला है कि ये पिस्टल अमृतसर में चुराई गई राघव चड्ढा के पीएसओ की है। पुलिस का कहना है कि आरोपी पेशेवर स्नैचर और लुटेरे हैं जो भीड़ भाड़ वाली जगहों पर और कार्यक्रमों में हमला कर लोगों को लूटते हैं। फिलहाल गिरोह नवांशहर पुलिस की गिरफ्त में है। रिमांड लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। उनकी पूछताछ खत्म होने के बाद अमृतसर पुलिस आरोपियों का रिमांड लेगी ताकि आरोपियों की तरफ से अमृतसर व आसपास के जिलों में की गई वारदातों की भी जांच की जा सके।